डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से रह रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का इस नए वीडियो में। और ये हमारा वीडियो है वो पार्ट 3 है टर्मिनोलॉजी का। ठीक है, इसके पहले मैंने 2 टर्मिनोलॉजी के पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं और आई होप कि वो आपने पार्ट्स देख लिए होंगे। वो देख लिए हो तो चलो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि जो भी टर्मिनोलॉजी है, क्या है क्या नहीं है, वो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में काफ़ी डिस्कस कर लिया था। अब हम सीधा अपने मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसेट्स की। ठीक है, अभी नाम तो सुना ही होगा एसेट्स। ठीक है, जैसे वो है ना कि मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? तो मेरे पास माँ है, तो वही है बिजनेस। ठीक है, घर, बंगला, गाड़ी, वो जो विजय ने जो बोला था वही है सब एसेट्स, घर, बंगला, गाड़ी। अब समझो यहाँ पे क्या है। एन एसेट इज डिफाइंड एज अ रिसोर्स। ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे बट स्टिल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड क्लियरली। सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स की। एन एसेट इज डिफाइंड एज रिसोर्सेज दैट इज ऑन और कंट्रोल बाय अ कंपनी दैट कैन बी यूज टू प्रोवाइड अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब ध्यान से समझो कि एसेट्स का मतलब क्या होता है। एसेट्स का मतलब ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी रिसोर्सेस। ध्यान से समझना, ये एक ऐसा रिसोर्स है दैट इज ओन्ड, या तो खुद का होगा और कंट्रोल बाय अ कंपनी, या तो सिर्फ कंपनी का उस पर कंट्रोल है, वो खुद का नहीं है बट स्टिल उसके पोजिशन में है, राइट, बाय अ कंपनी दैट कैन बी यूज। और क्या करे कंपनी, उसका यूज करिए। क्यों यूज करिए? टू प्रोवाइड ए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। किसको? खुद को और दूसरों को। एक जैसे एग्जाम्पल है इसमें, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कोई बिल्डिंग है, ठीक है, वो खुद का हो सकता है या भाड़ी से भी, उसे जिसको हम रेंट बोलते हैं, रेंट पे भी हो सकता है। क्यों भाई? बिल्डिंग है क्योंकि बिल्डिंग होगा तभी तो उसमें लोग काम करेंगे, तभी उसमें मशीनरीज होगी, तो उस बिल्डिंग का यूज करके हम लोगों को क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। बात समझ में आया? तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। अब बोलोगे कि सर ठीक है और थोड़ा बताओ इसके बारे में, तो चलो और है इसके अंदर। एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। कुछ एसेट्स को हमने क्या किया, पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहला है नॉन करंट एसेट। याद होगा मैंने लायबिलिटी एक्सप्लेन किया था, तो वहां पे मैंने बताया था नॉन करंट का मतलब क्या होता है। नॉन करंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। नॉन करेंट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म। ठीक है, जो लंबे समय के लिए हो, या यूं कहूं कि जो 12 महीने से ज्यादा के लिए हो। ठीक है, ग्रेटर देन 12 मंथ, ये है शॉर्ट में। अब पढ़ते हैं इसके अंदर क्या लिखा गया है। नॉन करेंट एसेट्स आर फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। ओके, यू टू रिमेंबर दिस वन, कि जो नॉन करेंट एसेट ना, दैट इज फॉर मोर देन 1 पीरियड। इनका एक और नाम है और वो नाम है इनका फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड मतलब नाम से ही पता चल रहा है भैया, जहां जाएंगे वहीं जम जाएंगे। तो इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, हम क्या बोलते हैं इनको, फिक्स्ड एसेट्स। अब इसमें एग्जांपल देखो, मैंने कुछ लिखा हुआ है कि नॉन करंट में क्या क्या आता है। लैंड एंड बिल्डिंग आता है, प्लांट आता है, मशीनरीज आते हैं, फर्नीचर, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड गुडविल। अब बोलोगे सर चलो लैंड एंड बिल्डिंग तो देखा है, प्लांट भी बहुत सारे देखे हैं, मशीन्स तो देखे ही हैं सर, फर्नीचर तो घर पे भी है सर, पर ये सारे कौन से प्राणी हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल। तो चिंता मत करो, हम लोग एक के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। पेटेंट का मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्मली कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसको रजिस्टर करवा देते हैं ना, ताकि कोई और यूज ना करे। ट्रेडमार्क का मतलब तुम्हें पता है, हर प्रोडक्ट का अपना ट्रेडमार्क है। जैसे एप्पल है, वो आधा आधा एप्पल होता है ना, ऐसे ऐसे करके कुछ समथिंग यहाँ से कटा होता है, तो उसका ट्रेडमार्क है, वो देख के हम समझ जाते हैं कि वो एप्पल का फोन है। कि कॉपीराइट, भाई कोई उसको यूज नहीं कर सकता इसलिए तुम उसका कॉपीराइट करवा लेते हो। एंड गुडविल का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में गुडविल का मतलब तुम्हारी प्रसिद्धि, तुम कितने फेमस हो वही तुम्हारी गुडविल है। ठीक है, तो ये ऐसे ही मैंने शॉर्ट में बता दिया। इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे आने वाले नेक्स्ट क्लासेस में, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, जानना बहुत जरूरी है, डिटेल में जानना जरूरी है, इसलिए हम आगे डिस्कस करेंगे। राइट नाउ फिर सिर्फ इतना समझो कि जो एसेट्स होता है वो बिजनेस का एक पार्ट होता है, अगर 12 मंथ से ज्यादा के लिए तो उसको हम नॉन करेंट एसेट बोलते हैं। अब इसके अंदर देखो, ये जो नॉन करेंट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स में मतलब एक टेंजिबल होता है और एक इनटेंजिबल होता है। इसका चार्ट भी मैं बना के बता दूंगा, जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बनाया था लायबिलिटी वाला, इसका भी बना दूंगा, पर अभी मतलब समझ लेते हैं कि करके। सबसे पहले बात करते हैं टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, टेंजिबल एसेट्स आर दोज व्हिच आर हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस। राइट, फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या था, जिनको तुम देख सकते हो, छू सकते हो, पता कर सकते हो, हाँ ये चीज है। जैसे मैं बात करूं मोबाइल, मोबाइल को टच कर सकते हो, कि मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है उसको नहीं देख सकते हो, वो एक तरह का प्रोग्राम है। प्रोग्राम को तो देख नहीं सकता मैं, लेकिन वो भी एसेट है, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के तुम्हारा मोबाइल सिर्फ एक डब्बा है। ठीक है, तो लोग बोलेंगे कि अंकल का फोन डब्बा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि
दो तरह के एसेट हो जाएंगे, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ टेंजिबल की। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है एंड कैन बी सीन एंड टच। इट इज अ सब कैटेगरी ऑफ नॉन करेंट एसेट, जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, तो उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब तुमने देखा होगा अगर पहले वाला एग्जाम्पल, तो उसमें मैंने कुछ नाम लिखे थे और उसमें से कुछ सिलेक्टेड नाम यहाँ पर है। क्यों सिलेक्टेड नाम यहाँ पर है, क्योंकि यही ऐसी चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और पता कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। भैया प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है। फर्नीचर पे रोज ही बैठते उठते हो तो तुम्हें पता है कि उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट की, इनटेंजिबल। तो इनटेंजिबल का एक सिंपल इन लोगों ने बोला है, डू नॉट होल्ड फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनका इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं होता है बट फिर भी होते हैं। इट मीन्स कि कैन नॉट बी सीन और कैन नॉट बी टच। इट इज ऑल्सो सब कैटेगरी ऑफ नॉन करेंट एसेट, जो मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, वो जो बात के नमूने थे ना, वो नमूने यहाँ पर आ जाए। कौन कौन थे भाई, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट। अब ये जो चीजें हैं ना, इनको हम महसूस नहीं कर सकते। महसूस करने का मतलब क्या है, जितना फिजिकल एग्जिस्टेंस वालों को है फायदा, उतना इसमें नहीं है। इसमें नहीं मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस के ऊपर बैठ सकते, उठ सकते, उसको देख सकते हो, वहां है यहाँ पे लात मार सकते हो, ये सारी चीजों में ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। पेटेंट होगा, ये दिखाई नहीं देता बट होता है, डॉक्यूमेंट है एक तरह का। गुडविल दिखाई नहीं देता बट महसूस होता है। जैसे आईफोन की बात करूं मैं, जब आईफोन लॉन्च होता है तो लोग मार्केट में भीड़ लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं, क्योंकि उसकी मार्केट में गुडविल है, उसकी पहचान है उतना, ठीक है। कॉपीराइट, कॉपीराइट भी दिखता नहीं है लेकिन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है। बात समझ में आया कि नहीं। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल एसेट बोलते हैं। और ये भी बिजनेस का ही एक पार्ट होता है, क्योंकि इन सब चीजों के बिना बिजनेस चल नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा बोलोगे, सर इसका क्या फायदा है। अब तुम्हें पता है कि बिजनेस में आजकल लोग कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो इसी वजह से लीगल तरीके से काम करना जरूरी होता है। तो तुम्हें ये सारी चीजों को अपने पास रखना पड़ेगा एज अ पावर, ठीक है। अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला हमारा पॉइंट है करंट एसेट। अब ध्यान से समझो, क्या है हमारा करंट एसेट। अब बोलोगे सर करंट एसेट क्या होता है, तो करंट का मतलब मैंने बताया था, मैं एसेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ करंट की बात कर रहा हूँ। करंट का मतलब मैंने बताया था लेस देन 12 मंथ, ठीक है। करंट को एक और नाम दिया था, याद होगा मैंने, शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए है। अब समझते हैं क्या है, दीज एसेट्स आर दैट काइंड ऑफ हुज टाइम ड्यूरेशन इज ऑफ लेस देन 1 ईयर, ठीक है, जिनका टाइम एक साल से कम होता है। और मेन बात क्या है, कैन बी कन्वर्टेड इन टू कैश। अगर 12 महीने से कम के लिए है तभी तो इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं बात करता हूँ, तुम्हारे दुकान में कोई स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है। अगर तुम्हारी कोई भी छोटी सी दुकान होगी, अगर नहीं है तो आसपास में भी कोई दुकान होगी, और ऐसे कभी मौका मिले तो जाके 10-15 मिनट खड़े रहना, कोई ऐसे सामान को देखना, ऐसे रैंडमली कोई भी सामान को टच करना, मतलब ऐसे देखना कि ये एक सामान रखा हुआ है, और अगले दिन जाके देखना, इट मे पॉसिबल कि वो सामान बिक गया हो, राइट। इट मीन्स कि इट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इन टू कैश एंड फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन दीज एसेट्स आर यूज। सबसे बड़ी बात है, डे टू डे ट्रांजेक्शन करने के लिए इन्हीं एसेट्स का यूज होता है, इसीलिए तो मैंने स्टॉक वर्ड यूज किया। बात समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे एग्जांपल में मैंने कुछ लिखा है, जैसे कैश बैलेंस हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, एक्सेट्रा, जैसे स्टॉक लिखा हुआ है मैंने यहाँ, रॉ मटेरियल स्टॉक। अभी कैश बैलेंस का मतलब तुम्हारे पास है, बैंक बैलेंस का मतलब बैंक वालों के पास है। अभी बात करते हैं डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, रॉ मटेरियल्स। तो ये सारी चीजें बस अभी तुम नाम याद रखो कि डेटर्स कहाँ आता है, तुम्हारा करंट में आता है, बिल रिसीवेबल भी कहाँ आता है, करंट में आता है। अभी नाम याद रखो, इसके बारे में डिटेल में स्टडी हम आने वाले हैं, मे बी पॉसिबल कि अगले ही वीडियो में मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, बस अभी जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको समझो, जो नहीं एक्सप्लेन कर रहा उसको दिमाग में रखो कि सर ने ये नहीं बताया है, ताकि तुम नेक्स्ट वीडियो में उसका इंतजार करो। और अगर मैं नहीं बताता तो मुझे बता देना कि सर आपने बोला था लेकिन बताए नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, ये भी बोल सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे है लिक्विड एसेट। अब देखो, एक होता है करंट एसेट और एक होता है लिक्विड एसेट। तो अब करंट एसेट और लिक्विड एसेट में डिफरेंस क्या है, एक माइनर डिफरेंस है और उस डिफरेंस को समझते हैं। ऑल करंट एसेट एक्सक्लूडिंग स्टॉक आर नोन एज अ लिक्विड एसिड। लिक्विड का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो लिक्विड का मतलब क्या होता है, तरल, पानी, है ना, बहता रहता है। दीज एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड उन एक्चुअली इंटू होगा, ठीक है, इंटू कैश क्विकली। अभी आप ध्यान से समझो कि ये ऐसी चीजें होती हैं जिनको तुम कैश में इजिली कन्वर्ट कर सकते हो। तो सर तुम लोग बोलोगे सर स्टॉक क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक को टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है, स्टॉक के ऊपर काम करना पड़ेगा, उसको रॉ मटेरियल से हमें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसेस चाहिए होता है,
समझ में आया? जैसे सट की मैं बात करूं तो सट में जो सट का रॉ मटेरियल होता है, पहले धागे होते हैं, फिर धागों से मटेरियल बनता है, उस पर कलर करते हैं, फिर कलर से उस पर सट बनता है, फिर उस पर और भी मतलब कपड़े बनते हैं, कपड़े बनने के बाद उस पर स्टिचेस करते हैं, और भी काम होता है, तब जाके वो शर्ट बनता है और तब जाके उसको मार्केट में सेल करते हो। तो ये शॉर्ट टर्म तो है, एक साल में ही इतना सारा प्रोसेस होता है, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होता। देखो ये लग रहा है इतना सारा टाइम, बट ये सारी चीजें क्या है, जैसे डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया। डेटर्स का मतलब जिससे पैसे लेने हैं, ठीक है, बस इतना ही समझ लो, जिससे पैसे लेने हैं तुम जाओ उसके घर पे, बोलो भाई पैसे दे मेरे, हो सकता है वो कल ही पैसे दे दे। तो शॉर्ट टर्म इसीलिए इसको लिक्विड एसेट बोलते हैं। बस याद क्या रखना है कि जो करंट एसेट है और लिक्विड एसेट, ये दोनों भाई भाई हैं, बस इनके बीच में एक की कमी है, वो क्या है, स्टॉक। उसके अंदर स्टॉक है, इसके अंदर स्टॉक नहीं है, बस इतना ही याद रखना है। अभी बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट, तो ये सबसे ज्यादा अच्छा है, सबसे ज्यादा समझने जैसा पॉइंट है। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या होता है? अ फिक्टिशियस एसेट डज नॉट हैव फिजिकल फॉर्म। अब ध्यान से समझना, इट डज नॉट हैव फिजिकल फॉर्म। बोलोगे सर ये तो इंटेंजिबल एसेट हो गया, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट में भी तो सेम था। नहीं, इंटेंजिबल एसेट जैसा नहीं है, ध्यान से समझो। दिस इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसिस। व्हाट इज नॉन रिकरिंग? नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जिसको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। द बेनिफिट ऑफ दीज एक्सपेंसेस इज अवेलेबल फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन वन ईयर। याद रखना कि ऐसे एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट तुम्हें एक साल से ज्यादा के लिए मिल रहा हो, एग्जाम्पल मैंने लिखा है, टेंशन नहीं लो, राइट, तो उनको हम क्या बोलेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स। इन दिस अमाउंट इज रिटेन ऑफ, सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पे आई कर दिया, दिस अमाउंट इज रिटेन ऑफ इन सर्टेन ईयर्स, और आने वाले कुछ टाइम्स में इसके अमाउंट को माइनस करते जाते हैं, राइट ऑफ जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में। अब एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है मैंने, ध्यान से देखना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस, इश्यू कॉस्ट ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर्स ऑन डिबेंचर डिस्काउंट। अब ये सारी चीजें कैसी हैं? ये है तो एक तरह का एक्सपेंस, राइट, लेकिन इनका बेनिफिट हमें काफी टाइम तक मिलता है, राइट, तो इसी वजह से इन एक्सपेंसेस को जैसे मान लो 2 साल मिल सकता है, 3 साल 4 साल, बस याद रखना है मोर देन वन ईयर, इसका जो बेनिफिट होता है बेसिकली मोर देन वन ईयर होता है, दैट्स वाई दे आर इन द कैटेगरी ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। अदरवाइज ये एसेट्स नहीं बनते, ये एक्सपेंसिव बनते। तो अब बोलोगे सर ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, इश्यू ऑफ कॉस्ट शेयर्स क्या है, तो मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं दूंगा। जैसे तुम बाइक परचेस करते हो, क्योंकि ये सारे वर्ड कैसे हैं जब आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा अच्छा है। क्या इतने बेसिक में अगर मैं तुम्हें इतने बड़ी बड़ी चीजें बता दूंगा तो फिर क्या है, छोटी छोटी चीजों को समझने के चक्कर में तुम इन्हें भूल जाओगे, या यूं कहो इन्हें समझने के चक्कर में उन्हें भूल जाओगे। तो बेटर है अभी सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लो, जैसे कि तुम अगर कभी बाइक परचेस करते हो, कभी ना कभी तो किसी ने किसी फैमिली, मतलब तुम्हारी फैमिली में किसी ने किसी ने परचेस किया ही होगा, तो उनसे पूछना, वो सब तो पता चल जाएगा। जब तुम बाइक परचेस करते हो तो बाइक परचेस करते टाइम तुम्हें डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता है बाइक का, राइट, और वो जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी वैलिड ज्यादा होती है, मतलब बाइक के वैलिडिटी के जितनी होती है। तो ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए तुम्हें क्या होता है, लीगल एक्सपेंस पे करना पड़ता है, राइट। अब बोलोगे सर एक्सपेंस है तो गाड़ी से रिलेटेड ही है, लेकिन नहीं भैया, गाड़ी से रिलेटेड नहीं है, गाड़ी की प्राइस अलग होती है और ये सारी अलग होती है। अगर तुम कभी चेक करो तो इसकी वैल्यू अलग होती है, लेकिन बाद में जो उसमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वाला खर्चा आता है ना, उसको जोड़ के तब जाके तुम्हें वो देते हैं। तो ये जब खर्चे होते हैं वो इसी के लिए होते हैं ना, ताकि ये बाइक को बेनिफिट हो। तो ये जो एक्सपेंस होता है, क्या ये 1-2 साल के लिए होता है या 1 महीने के लिए होता है? नहीं, ये होता आने वाले कई सालों तक के लिए, 4 साल 5 साल 6 साल, ऐसे, बात समझ में आया? तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। अब थोड़ा एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कंपनी स्टार्ट करना है तुम्हें, ठीक है, जब कंपनी तुम्हें स्टार्ट करना होता है तो कंपनी स्टार्ट करते समय रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद फिर हर 5 साल 10 साल में वापस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं रिन्यू करवाना पड़ता है। जैसे मैं बात करूँ ऑटो रिक्शा वालों को हर कुछ सालों में रिन्यू करवाना पड़ता है, तो वो रिन्यू करवाने टाइम भी एक्सपेंस करते हैं, फिर उसका आने वाले कई सालों तक बेनिफिट मिलेगा। एक्सपेंस ही तो है, लेकिन बेनिफिट उसके कई सालों तक मिलने वाला है, इसलिए उसको हम क्या बोल देंगे, फिक्टिशियस एसेट बोल देंगे। अब इसी तरह से ये सारी चीजें भी होती हैं, जब शेयर्स को इशू करते हो ना, तो उस टाइम पे कुछ खर्चे करने पड़ते हैं इशू करने के लिए, तो वो भी क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है, लेकिन उसका बेनिफिट कब तक मिलेगा, जब तक वो शेयर्स तुम्हारे पास है उसका तुम्हें बेनिफिट तो मिल ही रहा है ना, क्योंकि उसी की वजह से तो ये शेयर्स आए हैं। जैसे अगर तुम इशू करने के लिए खर्चे नहीं करते तो शेयर तुम्हारे पास से कौन परचेस करता, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ा होगा, हो सकता है लोगों को प्रोस्पेक्टस देने, लोगों को बोलना पड़ा होगा भाई ले लो शेयर, है ना, तो तुमने उसके लिए जो एक्सपेंस किया उसका बेनिफिट तुम्हें मिल ही रहा है। आई होप कि इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये नाम थोड़े याद रखना, प्रिलिमिनरी इशू कॉस्ट ऑफ शेयर्स एंड शेयर्स डिबेंचर और डिस्काउंट, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना।
शेयर्स और डिबेंचर डिस्काउंट, इशू कॉस्ट ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, यही 5 से 6 नाम है, इनको थोड़ा याद रखना होता है। तो ये हमारा था एसेट से रिलेटेड। तो अभी इसका एक छोटा सा चार्ट है, मैं वो भी बना देता हूँ, तो इससे क्या होगा तुम्हें थोड़ा आइडिया लगेगा, जैसे उसमें मैंने बताया था, इसको बस तुम अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ एसेट्स, ठीक है। अब देखो एसेट्स को नॉर्मली 2 पार्ट में डिवाइड किया, मैं 3 पार्ट में करूंगा, नहीं तो उस दिन की तरह बाद में फिर से बनाना ही पड़ता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे नॉन करेंट एसेट, ठीक है, फिर मैं बात करूंगा करेंट एसेट, फिर मैं बात करूंगा फिक्टिशियस एसेट्स। मतलब मैंने समझा दिया है, सिर्फ मैं ऐसे ही लिख के दिखा रहा हूं। तो नॉन करेंट एसेट में बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक टेंजिबल होता है और एक इनटेंजिबल होता है, ठीक है। और नॉन करेंट में ऐसा कोई नहीं है, इसमें भी अगर करना है तो कर सकते हो, कि इसमें नॉन करेंट एसेट में भी एक और होता है जिसको हम लोग लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। इसे करना चाहो तो डिवाइड कर लेना। तो बेसिकली इतने चीजों के बारे में तुम्हें पढ़ना है। तो मैंने एक्सप्लेन किया था नॉन करेंट का मतलब ग्रेटर देन 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ, और ऐसे एक्सपेंस जिसका बेनिफिट तुम्हें ग्रेटर देन 12 मंथ से मिलता हो, ठीक है। एक्सपेंसेस ऐसे जिनका बेनिफिट ग्रेटर देन 12 मंथ हो। टेंजिबल का मतलब जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, राइट, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और यहाँ पे जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। और करंट एसेट में मतलब लेस देन 12 मंथ, और लिक्विड का मतलब एक्सेप्ट स्टॉक, एक्सेप्ट स्टॉक, सारी चीजें तुम्हारे ये करंट वाली ही है, मतलब ये और ये दोनों एक ही हैं, बस इसमें क्या होगा स्टॉक नहीं होगा, या यू बोल सकते हो एक्सक्लूड कर देना इसको, ठीक है, माइनस कर देना, ओके। आई होप कि अभी ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये छोटा सा चार्ट है, पर इस देखो आधे पेज में ही हो जाएगा तुम्हारे नोटबुक में, मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तुम पेज में बनाओगे तो मे बी पॉसिबल 5 से 6 लाइन में बना दो, 5 से 6 लाइन में पूरा एसेट्स का तुम्हें जो कहते हैं ना मार्जरा है वो क्लियर हो जाएगा। और लाइब्रेरी का भी मैंने बता दिया था, दोनों को अच्छे समझ लेना, ये आने वाले चैप्टर्स में तुम्हें बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए, और अगर वीडियो समझ में आता है, क्लासेस समझ में आ रही हैं, तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले क्लासेस तुम्हें टाइम टू टाइम मिलती रहे और तुम्हें समझ में आता रहे सारी चीज़ें, मतलब टाइम टू टाइम मिलेंगी, देखोगे तो समझ में तो आएगा ही, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, ओके, और सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करते रहना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो बाय बाय, सी यू, ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।